सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अपना जेटा मी आई ऑफ श्योर फाइन। तो गाइज सबको अस्सलाम वालेकुम। और गाइज मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि फैसलाबाद में मोस्टली जो पिजन्स होते हैं, पाकिस्तान में ही पूरे पिजन्स होते हैं, जो उन पर आतिशबाजी लगाई जाती है, जुआ लगाया जाता है कि जो पिजन जीत गया किसी टीम का या दूसरी मुखालिफ टीम का, उसे जुए के पैसे दिए जाएंगे, कप्स होते हैं, इनमें रिवॉर्ड होते हैं कितने ज़्यादा। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमारे इधर घर के पास कितने पिजन्स के लगे हुए हैं, जाल जो कहते हैं उन्हें, खुड्डा मतलब के कहा जाता है उन्हें वो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे उड़ते हैं, मतलब कि वो कैसे उड़ते हैं, कितनी देर तक वो रहते हैं आसमान में, ये भी आपको बताऊँगा। तो जानिए इस वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक पिजन ये है, ये देखिए ऊपर ये उड़े हैं कितने ज़्यादा हैं, ये देखिए ये इस जाल के हैं, ये सामने जाल है ना, हाँ ये इस जाल के हैं, ये सामने इनके एक टावर लगा हुआ है, ये भी एक टावर लगा है, ये ऊपर कितने उड़े हैं, कितने, ये एक नहीं है, कितने, ये देखो कितने, ये भी मैं आपको इधर दिखाऊंगा, ये भी एक लगा, लेकिन इसने भी अपने पिजन बंद करके रखे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाओ इधर, ये देखे थर्ड, ये थर्ड आ गया, ये जिधर का झंडा लगा हुआ है ना, इस घर वालों ने भी रखे हुए हैं पिजन, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने नीचे रखे हैं, हमें किसी के घर जाकर अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये सामने देखिए कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह लिखा हुआ है गाइस, ये देखो कितने ही है भाई, कितने ही है, मैं आप लोग को अब दिखाता हूँ। ये देखो इधर काइट फ्लाइंगिंग हो रही है, ये देखो ये काइट फ्लाइंग हो रहा है, ये सामने झंडा लगा हुआ है, ये भी सर गई मोस्टली, कितनी चीजें हैं यार। वो कबूतर देखो, ये देखो ये वाला भाई, ये जोड़ा हर है, ये खड़ा हुआ, अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो भी लगा हुआ। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे इधर कबूतर उड़े हैं, गाइस इनकी मैं इंशाल्लाह अगर हुआ कोई आतिशबाजी हुई तो वो भी आपको वीडियो कैप्चर करके दिखाएंगे। अभी मैं इनके आपको तीन जगह के दिखाए हैं जाल इनके, के कैसे कैसे उड़े होते हैं, उड़ते भी दिखाए हैं आपको, और इनके पास टावर भी लगे हुए हैं, कभी उधर जाके बैठ जाते हैं, कभी कहीं पे, आप देख सकते हैं। एक तो मेरे पीछे है ना, ये देखें एक वो लगा हुआ है, देखें वो लगा हुआ है, एक आपको मैं दिखाता हूँ, एक वो ये लगा हुआ है पीछे, एक जो है ना गाइस वो लगा, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये एक और चीज़ है। दरअसल ये ना है कि बहुत ही मतलब इधर लगा होता था पहले, इधर ये जिधर आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, नीम का पौधा लगा होता था इधर, वो गाइस वो इसलिए कि इनके कई सारे कबूतर जो है ना उस नीम के दरख्त में मर गए, आड़ गए, किसी के पर टूट गया, पर टूट पर जो होते हैं किसी के वो टूट गए, किसी की कोई चीज़ टूट गई, तो इसलिए उन्होंने जो है पूरा दरख्त ही कटवा दिया। मतलब इनकी लड़ाई हुई थी आपस में गाइस, इनकी लड़ाई भी होती है, देखो ना तुम लोग, ये देखो ये बेरी लगे हुए हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये पीछे चल रहा है, ये सारा लगा हुआ है ऐसे 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 और ऐसे। तो गाइस इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी वीडियो बनाएंगे, तो तब के लिए गुड बाय। और गाइस जिसने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अपना चिट्टा मेंबरशिप के लिए मेंबर्स बन जो अपने चिट्टे में, वो इसलिए कि गाइस आप लोग आने वाले जो हैं मतलब हमारे जो हैं अगले कंटेस्टेंट होंगे, उनमें सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल कर दो उस बेल आइकन को, ताकि हमारी पहली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। तो गाइस जिसने वीडियो शेयर नहीं की, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, वीडियो लाइक भी करो, लाइक करके और कमेंट भी करो यार कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। तो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए गुड बाय।